बीएचयू और सीयूईटी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये बता दिया गया है कि आपको सीयूईटी के कौन से वाले सेक्शन का एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएफए के लिए देना है। फिर भी दोस्तों, और भी ज़्यादा कंफर्म करने के लिए मैं अपने फैकल्टी के डीन, यानी कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट में बीएफए कोर्स के लिए, मैं खुद वहाँ पे अभी फोर्थ ईयर का छात्र हूँ, मैंने खुद जाकर अपने फैकल्टी के डीन सर से संपर्क किया और उनसे पूछा, और उनके कन्फर्मेशन के बाद ये जो नोटिफिकेशन मैं आपको बताऊँगा, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वैसे भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, फिर भी मैंने उनसे जाके संपर्क किया और अच्छे से कन्फर्म करने के बाद आपको ये वाला वीडियो बना के बता रहा हूँ कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में कौन से सेक्शन का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। आप में से कई लोग पर्सनली मुझे मैसेज कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा टाइम लिया इस चीज़ के लिए, क्योंकि थोड़ा सा मैं कंफर्म होना चाहता था अपने डीन सर से और जितने भी टीचर्स प्रोफेसर्स लोग हैं उन सभी से कंफर्म करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया है, हालांकि इसका नोटिफिकेशन जो है वो पहले आ चुका है, तो थोड़ा सा लेट हो गया है, फिर भी आइए अब शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीश, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इस बार यानी कि सीयूईटी के थ्रू जो चार सेक्शंस के एग्ज़ाम होने हैं बीएफए के लिए, उसमें से कौन सेक्शन का एग्ज़ाम आपको देना है। और बीएचयू ने ऑफिशियल ये अनाउंस कर दिया है, बीएचयू के आप ऑफिशियल वेबसाइट पे वो जाके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप अगर सीयूईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ भी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। अब दोस्तों, आइए मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ किस तरह से आपको डाउनलोड करना है, किस तरह से आपको उसमें देखना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि बीएचयू के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, यानी कि बीएचयू के ऑफिशियल पेज पे। सो दोस्तों, ये हम बीएचयू के ऑफिशियल पेज पे हैं, बीएचयू ऑनलाइन। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड आप खुद ही इस वेबसाइट पे विजिट करके उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे यूजी ग्रेड अंडर ग्रेजुएशन का जो ये प्रोग्राम है, लिस्ट कोर्सेज ऑफ लिस्ट यूईटी 2022, रजिस्ट्रेशन फॉर यूईटी 2022, ये वाला, और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यूईटी 2022, यानी कि आपको इसमें से जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये वाला, इसी को देखना है। इसी के अंतर्गत आपको ये समझाया गया है कि पूरी तरह से उसमें यूईटी का किस तरह से कोर्सेस दिए गए हैं। तो सबसे पहले चलिए इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। सो दोस्तों, ये हमारे पास रहा बीएचयू की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि अगर आप देखेंगे इसमें से टोटल 139 पेजेस के ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है। ये रहा काशी हिंदू विश्वविद्यालय अंडर ग्रेजुएशन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2022। इसमें से अगर आप हम चलेंगे सीधे हम बीएफए, यहां से आप सर्च भी कर सकते हैं बीएफए सीधा, बीएफए इसको हम सर्च कर लिए तो बीएफए जहां भी लिखा रहेगा उसके ऊपर सबसे पहले ये हमको लेके चला जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 25 में, तो यहां पर बीएफए का ऑप्शन दिखा रहा है विजुअल आर्ट्स, ये जो लिखा हुआ है विजुअल आर्ट्स। दोस्तों एक मिनट, 26, ये रहा विजुअल आर्ट्स का, ये रहा अपना कोर्स बीएफए का कैंडिडेट्स का। यहाँ पर आपको देखना है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू बीएफए एंड बीएचयू हैव टू अपीयर फॉर सीवीटी यूजी 2022। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑप्शन फॉर, इस वाले ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेकेंड लिखा हुआ है, यानी कि जो सीयूसीटी के एग्ज़ाम में चार सेक्शंस के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें से जो सेकेंड वाला एग्ज़ाम है, यानी कि डोमेन सब्जेक्ट वाला एग्ज़ाम है, अगर आप सीयूसीटी के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है चार सेक्शंस का, उसमें से जो सेकेंड सेक्शन वाला है उसमें से आपको डोमेन सब्जेक्ट का देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सेकेंड सेक्शन आपको अपनाना है, फाइन आर्ट्स विजुअल आर्ट्स फॉर द एडमिशन इन बीएचयू के लिए, ओके। और दोस्तों, अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे, मान लीजिए कि आर्ट्स का जो कोर्स है यहाँ पर बीए ऑनर्स आर्ट्स का ये जो कोर्स है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इस चीज़ के लिए आपको सेक्शन ए यानी कि लैंग्वेज टेस्ट हिंदी या इंग्लिश का देना होगा, और उसके बाद सेक्शन थ्री जनरल टेस्ट फॉर एडमिशन इन बीएचयू। देखिए, ये बीएचयू का अपना अलग से नोटिफिकेशन है, यानी कि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि सीयूसीटी के थ्रू जो चार सेक्शंस के एग्ज़ाम देने हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान थे कि कौन सा एग्ज़ाम आपको बीएफए के लिए देना होगा, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, जैसे कि ये बीए ऑनर्स का हो गया, इसमें आपको दो सेक्शंस में एडमिशन एग्ज़ाम देना है, सेक्शन वन का एग्ज़ाम देना है, सेक्शन थ्री का इसमें देना है। इसमें तो अगर बीए की बात करें तो इसमें डोमेन सब्जेक्ट का देना ही नहीं है, इसमें अगर आप देखेंगे तो लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश या हिंदी या फिर अदर्स तो नहीं दिया है, हिंदी या इंग्लिश दिया है इसमें। और उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो इसमें थ्री जनरल टेस्ट फॉर एडमिशन इन बीएचयू के लिए दिया गया है, ठीक है। ये सभी अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर सकती हैं दोस्तों।
हो सकता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया अपना अलग बोले कि हमारे यहाँ जो सेक्शन ए का है, यानी कि सेक्शन ए का जैसे ये लैंग्वेज स्टेटस में बीए वाले में दिखा रहा है, हो सकता है जामिया ये बोले कि आपको मेरे बीएफए कोर्स के लिए सेक्शन ए का लैंग्वेज टेस्ट भी देना होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं होगी जो आप सेक्शन ए का एडमिशन आपसे करवाएगी, यानी कि सेक्शन पहले का, क्योंकि जिस तरह से बीएचयू काफ़ी नॉर्मल है, जिस तरह से पहले होता था उसी तरह से इसमें भी एग्ज़ाम होना है, यानी कि सेकेंड वाला ऑप्शन आपको देना है डोमेन सब्जेक्ट का, जिसमें फाइन आर्ट्स विजुअल आर्ट्स फॉर द एडमिशन इन बीएचयू। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप अगर देख सकते हैं इसमें अच्छे से। आई होप कि आप समझ रहे होंगे दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि आपको आपके जो यूनिवर्सिटी होगी वो गाइडलाइन जारी करेगी, उसमें आपको बताएगी कि कौन सा एग्ज़ाम आपको देना है। तो साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है कौन सा एग्ज़ाम आपको देना है। अगर आपको इसी में मैं पेज नंबर 35 पे लेके चलूं, तो 35 पे आपको थोड़ा सा अच्छे से इसमें डिटेल में बताया गया है, ये रहा बीएफए कोर्स 35 का, ये रहा बीएफए कोर्स हमारा। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे सेक्शन ए जो लैंग्वेज टेस्ट है, इसमें किसी तरह का कुछ नहीं देना है, तो इसको आपको खाली रखा गया है। सेक्शन बी यानी कि सेक्शन वन का बी जो लैंग्वेज टेस्ट है, इसमें भी खाली रखा गया है, यानी कि इधर से भी दोनों खाली है। फाइन आर्ट्स एंड विजुअल आर्ट्स, यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेक्शन सेकंड यही वाला है, तो यही सेक्शन सेकंड का आपको एग्ज़ाम देना है जो डोमेन सब्जेक्ट का है, इसी को आपको एग्ज़ाम देना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेक्शन थर्ड जो जनरल टेस्ट है, ये भी नहीं देना है। आप लोग काफ़ी परेशान थे कि इसमें से चारों सेक्शंस में से कौन कौन सा एग्ज़ाम आपको देना है। कई लोग ये सोच रहे थे कि आपको जनरल टेस्ट जो है वो और लैंग्वेज टेस्ट देना ही देना है, कंपलसरी है। तो ऐसा मैंने पिछली वीडियो में ही बता के आपको कन्फ्यूजन दूर कर दिया था कि आपको किसी तरह का कोई अलग से इसमें मे बी मतलब यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम देना होगा। ये हो सकता है कि वो ऐसा बोले कि आपको डोमेन सब्जेक्ट का ही इसमें एग्ज़ाम देना होगा। तो सेम दोस्तों वही हुआ इसमें, डोमेन सब्जेक्ट का आप अगर देखेंगे फाइन आर्ट्स विजुअल आर्ट्स का जो है नहीं, उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है किस तरह से आपका एडमिशन होगा। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, ये बीएफए के एग्ज़ाम के लिए आपको किस तरह से इसमें सिलेक्शन मिलेगा। देखिए प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए यहाँ पर नीचे बताया गया है दोस्तों। अगर प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए देखेंगे तो आपका देखिए यहाँ पर, यहाँ अगर देखेंगे इसको तो दोस्तों, अगर आप इस वाले सेक्शन को देखेंगे यहाँ पर, स्कोर ऑफ डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, फाइनल स्कोर मेरिट स्कोर्स ऑफ डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट प्लस प्रैक्टिकल टेस्ट टू बी कंडक्टेड इन बीएचयू आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाई एनटीए, यानी कि आपको जो थ्योरी का एंट्रेंस एग्जाम आप दे लेंगे उसके बाद आपको एनटीए की तरफ से जो रिजल्ट निकलेगा उसमें आपको सिलेक्शन लेना है। उस सिलेक्शन के बाद आपका जो बीएफए का एग्ज़ाम होगा, प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम होगा वो बीएचयू में होगा। यानी कि आपको यहाँ पर अगर आप इसको पूरी तरह से, वीडियो देखिए दोस्तों काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप यहाँ से पूरी तरह से आप इसको पढ़ के आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम देना हो। आप मोटा मोटी ये समझिए कि आपको सबसे पहले थ्योरी का एग्ज़ाम देना होगा, उसमें क्वालिफाई करने के बाद आपको प्रैक्टिकल के लिए मैसेज किया जाएगा, फिर उसके बाद आप वहाँ से प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने के लिए आपको बनारस यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आना पड़ेगा। वहाँ पर आप एग्ज़ाम देके दोनों एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के बाद आप ये चीज़ें जो है आप बीएचयू में एडमिशन पा सकते हैं। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब जैसा कि मैंने कहा कि आप NTA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर वहाँ पर भी आप देखेंगे तो वहाँ पर भी से आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। एक बार मैं आपको वहाँ भी लेके चलता हूँ और दिखा देता हूँ किस तरह से उसमें बताया गया है। तो दोस्तों ये हम CUET की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे होम के 3 डॉट पे इधर क्लिक करेंगे राइट साइड में, तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन के ऊपर क्लिक करना है। सिंपली आपको ये जो PDF है इसको डाउनलोड करना है। PDF डाउनलोड करने के बाद इसको आप ओपन करके इसमें पढ़ सकते हैं। देखिए ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, ये टोटल 109 पेज का है दोस्तों। इसमें मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है इसमें किस तरह से आपको जो एडवाइस वगैरह जो भी दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं। इसको आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, मेन चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यानी कि CUET के थ्रू जो यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस करवाएंगी इस बार, उस यूनिवर्सिटी का लिस्ट अगर आप देखेंगे तीसरे नंबर पर ये वाला, तो इस पर आपको क्लिक करना है यूनिवर्सिटी के ऊपर। यूनिवर्सिटी के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ढेर सारी यूनिवर्सिटी जो भी इसके थ्रू एडमिशन अपना लेना चाह रही हैं वो खुल के आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, देखिए यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इस पर आपको क्लिक करके देख लेना है कि किस तरह से कौन सी चीज़ें इसमें एडमिशन लेंगी। तो देखिए यहाँ पर डिग्री यहाँ पर लिखा गया है, प्रोग्राम कोर्सेज ऑफर, डोमेन जनरल ऑप्शन रेगुलर, ये सब एलिजिबिलिटी वगैरह इसमें दिया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देख सकते हैं। मैं सीधे आपको मेन चीज़ पे लेके चलता हूँ, इधर बीए ऑनर्स, बीए सीधा मैं आपको बीपीए, बीवॉक,
बीए रहा बीएफए, ओके। ये थोड़ा सा छोटा नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे ही समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ पे बीएफए का जो कोर्स देख रहे हैं यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ है। अब रही बात इसमें जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो कितने, उसका सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस के लिए मैं दोस्तों एक अलग से वीडियो बना दूंगा। उसमें कौन कौन सा सिलेबस आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, उस सिलेबस के ऊपर मैं आपको जल्द ही वीडियो अपलोड कर दूंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना होगा, क्या क्या आपको नहीं पढ़ना होगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, द एंट्रेंस टेस्ट फॉर दिस प्रोग्राम इज अ कॉमन टेस्ट फॉर आल लैंग्वेज कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन टू बी एफ ए इन बी एच यू हैव टू अपियर फॉर सी यू ई टी यू जी 2022। दे आर रिक्वायर टू ऑप्शन फॉर सेक्शन सेकेंड, ओके। यहाँ पर आपको यहाँ पे भी साफ साफ लिखा गया है ऑप्शन सेकेंड, आपको सेक्शन सेकेंड आपको चूज करना है, फाइन आर्ट्स विजुअल आर्ट्स फॉर द एडमिशन इन बी एच यू कैंडिडेट्स हु विल नॉट अपियर सेक्शन सेकेंड, यानी कि जो सेक्शन सेकेंड का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं वो विल नॉट बी कंसिडर फॉर एडमिशन इन बी एच यू, उनको एडमिशन बी एच यू के अंदर नहीं मिलेगा। यानी कि आपको सेक्शन सेकेंड वाला एडमिशन का जो सेक्शन सेकेंड का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है उसी सेक्शन सेकेंड वाले डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को आपको ऑप्शन चूज करके बी एफ ए के लिए सेलेक्ट करना है, खास करके बी एच यू के लिए। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि सभी यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकाली हैं, अगर अलग यूनिवर्सिटी यानी कि जामिया वगैरह का अगर अलग से आपको उसमें से अगर लैंग्वेज टेस्ट का अगर मांगेगा तो आपको लैंग्वेज टेस्ट का भी ऑप्शन सीयूईटी के थ्रू सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आपका एडमिशन बीएफए का बीएचयू में हो जाए। मे बी आपको जहाँ जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन बीएफए के लिए मिल जाए वही सही है, आप वहीं पर एडमिशन लेके अच्छे से पढ़िएगा। ये ज़रूरी नहीं कि, क्योंकि दोस्तों सिर्फ 96 सीट्स हैं और जो भरने वाले बच्चे होते हैं लगभग 15,000 20,000 30,000 बच्चे आजकल भरने लगे हैं, तो ज़रूरी सबको तो एडमिशन यहाँ पे मिल नहीं सकता। तो जितने जो भी एडमिशन आपको मिले जहाँ भी यूनिवर्सिटी मिले वहाँ पर अच्छे से एडमिशन लेके अपना पढ़ाई करें। और रही बात इसके क्वालिफ़िकेशन की, आप देखें यहाँ पर दोस्तों क्या चाहिए आपको, तो आपको तो आपके पास 50% प्लस मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा अगर आपको एज की बात करें तो यहाँ पर नीचे आप एज लिमिट देख सकते हैं, आपको 22 साल से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपको रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन वगैरह मिल सकता है, लेकिन आपका 22 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। आप 2 जुलाई 2000 तक के अंडर के मतलब आपका जो बर्न है वो होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आप इसमें वीडियो में समझ गए होंगे कि मैं इसमें क्या बता रहा हूँ, और आपका जितना भी कंफ्यूजन है वो सभी दूर हो गया होगा। और एक अनाउंसमेंट और करना था दोस्तों, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में कई यूनिवर्सिटी के बीएफए के और एमएफए के बीएचयू के एमएफए अप्लाइड एट और पेंटिंग के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, उसको क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। बात करें बीएफए की तो आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और बीएचयू तीनों जगह का आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगा बीएफए का जो प्रीवियस है उसका क्वेश्चन पेपर है, उसको आप उसको भी डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ें। क्योंकि अक्सर करके ये देखा जाता है कि जो फाइन आर्ट्स का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें से जो क्वेश्चंस होते हैं वो बार बार रिपीट किए जाते हैं, लेकिन अगर बात करें सीयूईटी के थ्रू जो एंट्रेंस एग्जाम होना है तो उसमें 10+2 12th बेस पे जो एनसीईआरटी 12th का फाइन आर्ट्स का कोर्स है उसके अकॉर्डिंग आपको इस बार से मतलब इस बार के जो क्वेश्चंस होंगे उस तरह से होंगे। आपको मैं अगले वीडियो में सिलेबस वगैरह बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है जो एनसीईआरटी बेस्ड फाइन आर्ट्स के कोर्सेज जो सिलेबस होते हैं उसको, और आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छा नॉलेजबल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आज आपके फाइन आर्ट्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए। कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेंसिल विद प्रवीश आई पे फॉलो करके मुझे पूछ सकते हैं। आपको आपके लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।